इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि IDF ने हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन और उसके भी उत्तराधिकारी को बेरूत हमले में मार गिराया। नेतन्याहू का दावा है कि हिजबुल्ला बेहद ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन दक्षिणी लेबनान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि नसरल्लाह के मारे जाने के बावजूद हिजबुल्ला के लड़ाके IDF के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा अब वो दोगुनी ताकत के साथ इजरायली सेना के ऊपर हमले कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिजबुल्ला के जवाबी हमलों की, जिनकी वजह से पूरे इजरायल में एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है। और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला ने इसराइल के तटवर्तीय और आसपास के सेटलमेंट्स पर 30 मिनट के भीतर करीब 105 रॉकेट आर्टिलरी गोले दागे हैं। खुद इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 14 ने अपनी खबर में इस बात का उल्लेख किया है कि ये हमले हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ नईम शेख के भाषण के दौरान हुए। यहाँ तक कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्ला के रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए। चैनल 14 के मुताबिक हिजबुल्ला के कई रॉकेट इसराइल की कई इमारतों पर जा गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर किरियत मोत्सकीन और किरियत यम सेटलमेंट में हुआ है। ये सभी इलाके उत्तरी हाइफा शहर के क्रेयट क्लस्टर का हिस्सा हैं। और बड़ी बात यह है कि इन हमलों की वजह से कई सेटलर्स को अस्पताल तक भेजना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला का इन हमलों को लेकर कहना है कि उसने हाइफा और क्रेयट शहर पर रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया है। वहीं इस हमले को लेकर हाइफा के मेयर योना याहव का कहना है कि हिजबुल्ला का एक रॉकेट हाइफा की एक बिल्डिंग पर सीधे जा लगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन केमिकल प्लांट से है जिनको लेकर हाइफा के मेयर ने चिंता जाहिर की है। हाइफा के मेयर का कहना है कि इस इलाके में कई केमिकल प्लांट्स हैं जिन पर हमला होने से पूरे इलाके में तबाही आ जाएगी। हाइफा के मेयर याहव का आरोप है कि सरकार इलाके के लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। और तो और, जब उन्होंने सरकार से केमिकल प्लांट हटाने की गुजारिश की तो उसका भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हाइफा के मेयर के मुताबिक उन्हें इलाके के लोगों को सुरक्षित करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको बता दें कि इजरायली सेना की कमांड ने किरियत अता, किरियत बिलीका, किरियत याम और किरियत मोत्सकीन के लिए बेहद ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेना ने सख्त हिदायत दी है कि इन इलाकों में किसी भी सूरत में स्कूल न खोले जाए, क्योंकि हाल ही में हिजबुल्ला के हमलों में इन स्कूलों पर सबसे ज्यादा खतरा बढ़ गया है। हिजबुल्ला के हमलों से मासूम बच्चों को बचाया जा सके, इसलिए सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर हिजबुल्ला बार बार हाइफा को ही निशाना क्यों बना रहा है। तो आपको बता दें कि इसराइल के लिए हाइफा बेहद ही अहम है। साल 1948 के युद्ध में हाइफा पूरी जंग की धुरी था और 22 अप्रैल 1948 में अरबों ने हाइफा को इसराइल के आगे सरेंडर कर दिया था। हाइफा इसराइल का प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक शहर है और इसका इसराइल की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम योगदान भी है।